नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूँ आरती। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। अमेरिका के उत्तर कैलिफोर्निया में यूट्यूब के हेड ऑफिस में एक महिला बंदूकधारी ने गोलियां चलाकर चार लोगों को जख्मी कर दिया और बाद में खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थाई नहीं है। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। मायावती भले ही एससी एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन साल 2007 में मायावती ने भी एक ऐसा आदेश दिया था जिसके तहत एससी एसटी एक्ट के नियमों में ढिलाई बरती गई थी। दिल्ली विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कैग की रिपोर्ट को पेश किया। इस रिपोर्ट में कई विभागों में गड़बड़ियों की बात कही गई है। यूपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए योगी सरकार ने एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के मुताबिक प्राइवेट स्कूल अब हर साल केवल 8% तक ही स्कूल फीस बढ़ा सकेंगे। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।